एक बहुत ही सिंपल सवाल मैं अभी आपसे पूछने वाला हूँ. आपने अपनी मदर टंग कैसे सीखी? हिंदी, उर्दू, बंगाली, मारवाड़ी, पंजाबी, जो भी हो, आपने मदर टंग कैसे सीखी? अभी आप सोच रहे हैं कैसे सीखा मैंने, मैं तो बोल बोल के सीखा. करेक्ट? गलत. आपने मदर टंग पहली बार कैसे सीखी? सुन के सीखा आपने. आप सब ने फर्स्ट थिंग आपने क्या किया, लैंग्वेज इज ऑल अबाउट लिसनिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. तो मदर टंग आपने सीखा सुन के. तो आप मुझसे आके क्यों बोल रहे हैं, सर मुझे इंग्लिश ग्रामर सिखाइए, मैं इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहता हूं, ऐसे आप क्यों बोल रहे हैं? गलत. आप इंग्लिश ग्रामर से नहीं, यूसेज से सीखिए, तो 100% आप जीतेंगे. आप जरूर सबके सामने अच्छी तरह से इंग्लिश बोल पाएंगे. पहली बात तो यह है कि जब आप बात करते हैं तो यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ द लैंग्वेज फ्लोस. लैंग्वेज कैसा फ्लो होता है वो आपको समझ में आ जाएगा. दूसरी बात यह है कि योर माउथ विल स्टार्ट मूविंग अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज. देखिए आज तक यू हैव डन एवरीथिंग राइट, आपने सब कुछ ठीक किया है, मगर आपने बोलना शुरू नहीं किया. आप वेर एवर यू गॉट अ चांस आपने सुना, इंग्लिश सुना, और किसी ने बोला डू यू वॉन्ट कॉफी, तो उत्तर मिला हाँ यस, हाँ यस आई वॉन्ट, यस थैंक यू. तो आपने डिसाइड किया कि यस आई वॉन्ट नहीं, यस थैंक यू बेहतर है, और आपने पकड़ लिया. You decided to use the best possible English. तो इसका मतलब यह है कि आप आज तक you have done a very good thing. The most important thing तो यह है कि mother tongue आपने सुन के सीखा, grammar से नहीं सीखा. इसीलिए आप ये बोलेंगे, एक बच्चे को देखिए वो क्या बोलेगा, मैं धीरे धीरे सोच के वो बोलेगा मैं जाऊंगा, ये नहीं बोलेगा मैं जाएंगे, क्योंकि सुन के उसको ये यकीन आ गया है कि मैं जाएंगे गलत है, मैं जाऊंगा, मैं जाता रहूंगा, मैं जा चुका हूं, ये ठीक है. तो इसीलिए आप आज से एक अच्छा काम प्लीज कीजिए मेरे साथ. आज से आप हिंदी से इंग्लिश, आसान इंग्लिश, हिंदी से आसान इंग्लिश आप ग्रामर से नहीं यूसेज से सीखिए. नमस्कार, आप ये वीडियोस देखिए और मुफ्त में हिंदी से इंग्लिश आसानी से सीखिए. प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.